नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पर एच डी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका साधारण ब्याज वाला चैप्टर चल रहा है जिसकी एक क्लास हो चुकी है। उससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आज इस क्लास में, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और किसी ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ठीक है। तो उससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 5, और मैंने कहा था कि देखते हैं कितने स्टूडेंट उसका सही आंसर देते हैं, पर पता नहीं क्यों केवल 2 स्टूडेंटों के कमेंट्स मुझे उसके आए हैं। एक तो श्याम श्याम के नाम से आईडी है उस क्वेश्चन का, जो आंसर आया था 40 आंसर आना था उस क्वेश्चन का, और एक खुशबू सेफी हैं उनका कमेंट आया है 40। 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि इसका आंसर 40 आना है और स्टूडेंटों ने उसका कोई रिप्लाई मुझे नहीं दिया है। खैर चलो, जिन्हें समझ नहीं आया उनके लिए मैं आप वो क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, पाँच में क्या है, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। इसमें मूलधन कितना है, 500 रुपये है, और समय कितना है, 6 माह है, और दर कितनी है इसमें, इसमें जो दर आपको दी है इसने 8% की छमाही दर से दी है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा पॉइंट था, समय उसमें होना चाहिए जिसमें दर है। अगर दर वार्षिक है तो समय वर्ष में होना चाहिए। अब देखो इसमें दर जो है छमाही है, 8% की छमाही दर से। जब दर छमाही में है तो समय भी छमाही में ही होना चाहिए, और छमाही कहते हैं 6 माह को, एक छमाही कहते हैं, 12 माह को 2 छमाही कहते हैं, ठीक है, 18 माह को 3 छमाही कहते हैं इसे। तो इसमें 6 महीने हैं, तो इसमें जो समय आएगा वो 1 छमाही आ जाएगा, मतलब 6 नहीं लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, क्योंकि दर छमाही में है तो समय भी छमाही में ही होना चाहिए, और 6 माह में 1 छमाही होती है बटे 100, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा, 8×5=40 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। 2 स्टूडेंटों के कमेंट्स इसके लिए आए थे, 40 इसका आंसर बताया था, तो वो मैंने कर दिया है आपके लिए। बस इतना ध्यान रखना है, दर अगर वार्षिक में है तो समय वर्ष में होना चाहिए, और दर अगर छमाही में है तो समय छमाही में होना चाहिए। 27 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्या है, 500 रुपये का 2 वर्ष के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 रुपये है, तद अनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है। हुआ क्या है, 500 रुपये हैं और वो 500 रुपये 2 बैंक में लगाए, एक इस बैंक में एक उस बैंक में, तो दोनों बैंकों से जब ब्याज जो मिला 500 रुपये में, उसमें 2.5 रुपये का अंतर था। तो ये पूछा गया है उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है, ये आपको बताना होगा, है ना। तो करना क्या होगा इसमें, देखो दर तो हमारे पास है नहीं दोनों बैंकों की, तो कुछ मानना होगा, कुछ भी मानना हमें पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आप एक काम करें, ब्याज की दर नहीं बूझ रहा ये, दरों का अंतर बूझ रहा, तो उसे कुछ मान लें, तो दरों का अंतर आप 1 मान लें, ठीक। अब जब इसने हमें ब्याजों का अंतर दिया तो आप भी ब्याज का अंतर निकाल लें। तो ब्याज का अंतर कैसे निकलेगा, ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन, तो मूलधन तो 5 गुणा दर और गुणा समय, समय कितना है इसमें, 2 वर्ष, ठीक है। अब यहां से जो ये निकल के आया है 5×2=10, ये ब्याज है क्या, ये ब्याज नहीं है। आप कहोगे कि ब्याज का ही फॉर्मूला है, हाँ फॉर्मूला तो ब्याज का ही है, पर ये ब्याज नहीं, ब्याजों का अंतर है। क्यों, क्योंकि ये जो एक दर है हमने दर नहीं मानी है, दरों का अंतर मानी है। अब फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मूलधन 5 नहीं 500 था, तो 500 की 2 जीरो से तो 100 कट चुका है। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय ये ब्याज आया है, पर ये ब्याज नहीं, ब्याज का अंतर है, क्योंकि ये दर नहीं दर का अंतर है। तो हमारे अकॉर्डिंग ब्याज में कितने का अंतर है, 10 का, जो दर हमने एक अंतर माना है, और किताब के अकॉर्डिंग ब्याज में अंतर कितने का, इतने का।
अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, एक कैसे निकालते, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते, जब 10 से भाग करोगे तो एक स्थान पॉइंट और इधर को खिसक जाएगा ये, ठीक है। तो 0.2500 हो जाएगा। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है, तो हमसे ये दरों का अंतर बोल रहा है, और दरों का अंतर तो हमने एक ही मान रखा, देख लो, तो ये ही आंसर है आपका, तो 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहा है प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली है, और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी है। तदनुसार यदि 12 वर्षों में उसे 960 रुपये का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी है? अब ये जो 960 रुपये का लाभ मिला है ये किसकी वजह से मिला? देखो, वो बैंक से लाया है प्रभात पैसे, और जितने लाया है उतने ही आशीष को दे दिए, और जितने समय के लिए लाया उतने ही समय के लिए आशीष को भी दिए हैं, तो राशि भी बराबर है और समय भी बराबर है, तो लाभ किसकी वजह से मिला? दर की वजह से। वो बैंक से 8% पे लाया था और आशीष को 12% पे दिए, तो कितने फालतू पे दिए? 4% पे। तो ये जो 4% की दर जो 12 वर्ष में ब्याज देगी वो ही लाभ है, तो अपना लाभ निकाल के, लाभ बराबर लाभ रख के, एक निकाल के जो आपसे पूछ रहा वो निकाल देंगे, इस तरह ये क्वेश्चन होना है। अब ब्याज की वजह से ही लाभ होगा, ब्याज किससे निकलता है? मूलधन, दर और समय। तो दर तो हम पता है कितनी फालतू दी है, 4, समय पता 12 वर्ष के लिए, मूलधन नहीं पता, वो आपसे पूछ भी रहा है तो 100 मान लो। अब साधारण ब्याज में मैंने आपसे बताया था अगर राशि 100 मानी है तो उसे मानो और भूल जाओ, क्योंकि मूलधन 100 गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, तो 100 से तो 100 कट जाएगा ना, तो इसलिए 100 लिखने की तो आवश्यकता है नहीं। तो हमारा जो ब्याज बैठेगा, मूलधन तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, दर गुणा समय हो जाएगा, दर गुणा समय, और कितने समय के लिए? 12 के, तो 12 छत्ती 12 चौक 48, तो हमारे हिसाब से लाभ कितना? 48, और किताब वाले के हिसाब से लाभ कितना? 960। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, एक कैसे निकालेंगे, जो इधर उससे भाग कर देंगे, तो 48 दूनी तो 96 हो जाएंगे, तो एक बराबर कितना? 20, तो ये इससे 20 बार कैंसिल हो गया है। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया राशि, तो राशि तो हमने 100 मानी थी जो लिखी नहीं थी, यहाँ तो 100 निकाल दें, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? दोनों तरफ 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो 2000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, दो बराबर राशियां, देखो उदासियां बराबर हैं, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई, ब्याज में अंतर 56 था, तो उधार ली गई राशि पूछ रहा है आपसे। अब देखो राशियां दोनों बराबर हैं, जब दोनों राशियां बराबर हैं तो ब्याज का अंतर जो आपका आएगा, मतलब यहां से जो ब्याज निकलेगा वो दर गुना समय से ही निकलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ तो राशियां बराबर हैं, तो राशि रखने की कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो पहला ब्याज तो क्या हो जाएगा, पहला समय कितना है? 2, और दर कितनी है? 8। अब आप कहोगे कि राशि क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि दोनों के लिए राशि तो बराबर है, तो उसे रखने से कोई फायदा नहीं है। तो पहला जो हमारा ब्याज हो जाएगा समय गुणा दर हो जाएगा, तो समय कितना है? 2, और दर है 8, तो कितना हो गया? 16। और दूसरा समय कितना है? 3, और दर कितनी है? 8, तो 8 * 3 = 24, तो दूसरा ब्याज हो गया 24, तो इसने हमें ब्याज का अंतर दिया, तो ब्याज का अंतर कितना बैठ रहा है यहाँ पे? 24 और 16 में 8 का अंतर, तो हमारे हिसाब से तो ब्याज में 8 का अंतर है, जबकि किताब के अनुसार ब्याज में कितने का अंतर है? 56 का। अब बराबर रखने के बाद एक ही निकालेंगे, तो 8 * 7 = 56। अब एक निकाल के जो आपसे पूछा गया है, तो उधार ली गई राशि थी, तो राशि तो 100 मान लेंगे, राशि कितनी मान लेंगे? 100। देखो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जब हम यहां से करेंगे तो 100 से 100 कट के 16 ही तो आना है, तो राशि इसलिए अगर ना दी गई हो तो 100 मानो और भूल जाओ, क्योंकि बटे में 100 से 100 कैंसिल हो जाते, तो राशि 100 है, तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 700, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। 31 में क्या है, ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपए का ऋण लिया, ए ने बी से और सी से ऋण लिया, दोनों से कुल कितना लिया? 1200 रुपए का ऋण लिया है। बी ने तो 14% पे दिया है और सी ने 15% पे दिया है, ए ने बी और सी से लिया था ना, तो बी ने तो 14% पे दिया है और सी ने 15% पर। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 था, तो ए ने लिए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होगा आपको,
पर इसमें प्रॉब्लम ये है, हमें ये तो पता है कि ए ने 1200 रुपए लिए, पर ये नहीं पता बी से कितने लिए और सी से कितने लिए। अब ऐसा क्वेश्चन लाभ हानि में भी आया था, परसेंटेज में भी आया था, और अब इसमें ब्याज में भी आ रहा है। जब हमें ये ना पता हो कि टोटल तो पता हो, और ये ना पता हो कि इससे कितना और इससे कितना, या इसको कितना या इससे कितना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, टोटल को ही दोनों पे मान लेते हैं। जैसे 1200 रुपये इसने लिए हैं ए और बी से, ये नहीं पता कि बी से कितने लिए हैं और सी से कितने लिए हैं, ए ने लिए हैं बी और सी से। तो आप क्या करें, आप ये मान लें उसने बी से भी 1200 लिए हैं और सी से भी 1200 लिए हैं। ऐसा ही करते हैं, पीछे के 3 चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आया था तो वहां भी यही करा था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन होगा मिश्रण से, क्योंकि 3 जगह टूटा हुआ, बी सी और टोटल, क्योंकि बी और सी को फिर उसने ब्याज भी दिया होगा, तो मिश्रण से करेंगे। तो आप ये पता लगा लें कि बी को कितना ब्याज दिया होगा इसने और सी को कितना ब्याज दिया होगा। तो बी ने तो 14% पे दिया है, बी ने कितने परसेंट पे दिया, 14 पे। तो 1200 का जब आप 14% निकालेंगे, तो ये जो परसेंटेज है हटाने के लिए बट्टे में 100 आएगा, तो दोनों जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इधर को लिख लेते, 1200 का 14% जब निकालेंगे तो 14 दूनी 28, 2 14 एकम 14 और 2 16, तो 168 रुपये बन जाएंगे। और सी ने जो है कितने परसेंट पे दिया है, सी ने दिया है 15% पे, तो परसेंटेज हटाने को दोनों जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 15 दूनी 30 की 0 3, 15 और 3 18, तो 180 रुपये ब्याज बन रहा है सी का और 168 रुपये ब्याज बन रहा है बी का, है ना। तो इसे लगा दे मिश्रण, चलो यहाँ लगा देते, इधर तो बी और इधर सी, तो बी को 168 रुपये ब्याज के देगा और सी को 180, और टोटल दोनों को कितना ब्याज दे रहा है वो 172 रुपये, है ना। तो मिश्रण लग जाएगा, तो इसका और इसका डिफरेंस तो यहाँ, और इसका और इसका डिफरेंस यहाँ, तो 180 और 172 में कितने का अंतर है, 8 का, ठीक है। और 168 और 172 में 4 का, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। इसके बाद क्या करते हैं, टोटल करते हैं, तो टोटल हमारा कितना है 3, और टोटल राशि कितनी है 1200, और बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, कैसे, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, तो 3 चौक 12, ठीक है। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है, तो इसने ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आंसर लिया, ये नहीं पूछ रहा ये बी से कितने लिए सी से। पहला ऑप्शन है इसका सी से 800, अब देखो सी का हिस्सा तो एक है, तो सी से 400 तो सही हो जाएगा, तो ये तो आंसर होना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सी से 625, भी नहीं होना। बी से 400, बी का हिस्सा तो 2 है, तो 2 बराबर तो 800 आएगा इसमें, अगर बी से 800 होगा तो वो आंसर हो जाएगा, जो कि लास्ट ऑप्शन है बी से 800, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 800, क्योंकि बी का हिस्सा 2 है तो 800, तो ये आंसर राइट हो जाएगा बी से 800, ठीक है। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए। अब 32 में क्या है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर लेता, 4 पैसे प्रति रुपए, रुपए में 100 पैसे होते हैं, मतलब 100 पैसे पे 4 पैसे आयकर लेता है, तो इसमें जो है दर 4% हो जाएगी। वह पाता ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो गई, 4% से घटकर 3.75% हो गई, तो दर में कितने का अंतर हो रहा है, 0.25% का अंतर हो गया, है ना। दर कितनी कम हो गई है, 0.25%, तो उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो गई है। तो ये तो वो क्वेश्चन बन गया, परसेंटेज का अंतर बराबर रुपयों का अंतर, तो परसेंटेज में तो अंतर है 0.25% का, और रुपयों में कितने का है 48 का। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो एक कैसे निकलेगा, 0.25 से उसे भाग करेंगे। अब भाग कैसे करते हैं, पहले पॉइंट हटा लें, इधर 2 स्थान में पॉइंट है, तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है 4800, इसे 25 से काटें, तो कटेगा कैसे, जो 2 जीरो है ना, आप ऐसे कर लें गुणा 100, तो 25 से ये 4 बार कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 8 32 को 2 3 और 4 6 16 और 3 19, तो 1 बराबर 192 आ गया है। अब इससे आगे पूछा क्या गया, उसकी पूंजी कितनी है,
तो पूंजी तो टोटल तो 100 पे निकलेगा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगी, पर ये इसका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि वह 4 पैसे प्रति रुपए की दर पर आयकर लेता था, है ना। तो ये 96 के बराबर आपको रखना पड़ेगा, तो 96% बराबर इतना, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर, अब इसका जो सोल होके आएगा वो इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो इसे जब आप सोल करेंगे तो ये होके 20,000 आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना इसकी कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाए। 33 में क्या है, अब थोड़े चेंज हुए हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ लेना। इसमें ये कहा गया है, ये 33 से पहले आपको 34 बताता हूँ, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, समझ आ जाएगा आसानी से। 34, एक धनराशि साधारण ब्याज के समान दर में 2 वर्ष में 8400 हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 8400, तो होना तो मिश्रधन होता है, ब्याज नहीं होता है, 2 वर्ष में 8400 हो रही है, तो ये 2 साल का मिश्रधन है, तो मिश्रधन को ऐसे लिखते हैं, तो 2A बराबर कितना, 8400। ठीक है, फिर इससे आगे क्या बोला गया है, और 8 वर्षों में 12600 हो जाती है, तो 8 वर्ष का मिश्रधन तो 8 है, 12600 हो जाती है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनकी ट्रिक भी बताते हैं पर वो ट्रिक फेल हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि समय आपस में डबल होना चाहिए तभी होता है ये, तो यहाँ तो समय 2 है और फिर 8 है ना। तो आपको तरीका सीखें क्या है, अब देखो कोई राशि है हमने बैंक में जमा कर रखी है और 2 साल बाद हमने जब उसे चेक करा तो वो 8400 रुपये हो गई, और जब हमने जमा करी उससे 8 साल बाद हमने एंट्री कराई तो वो 12600 हो गई। ठीक है, तो ये राशि को कौन बढ़ाता है भाई, यहाँ इस क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं गया कि इतने पैसे और जमा कर दिए हैं, तो हमारी तरफ से तो पैसे जमा नहीं करे गए, तो ये बढ़ा कौन रहा है, ये ब्याज बढ़ा रहा है, ये कौन बढ़ा रहा है, ब्याज। 2 साल में वो राशि इतनी है और 8 साल में इतनी है, अब देखो 2 साल में ही 8400, अब 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल में जब 6 साल जोड़ेंगे ये भी तो 8 साल होंगे, तो 6 साल बाद वो 8400 से 12600 हो गए, तो ये जो राशि बढ़ी है 8400 से 12600, ये किसकी वजह से बढ़ी है, ब्याज की वजह से, तो ये जो इनका अंतर होगा वो ब्याज होगा, तो 0 0, 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 8 गया 4, तो ये जो 4200 रुपये है ये ब्याज है। अब कितने समय का ब्याज है, 2 साल और 8 साल का मिश्रधन है, ये 2 साल का, तो इनका जो डिफरेंस है ये आ गया 6, तो ये 6 वर्ष का ब्याज है, तो 6SI, SI मीन्स क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो ये 6 साल का ब्याज आ गया, कितने साल का ब्याज आया है, 6 साल का, क्योंकि 2 साल में कोई राशि इतनी थी और 6 साल बाद इतनी होगी, तो ये जिनका डिफरेंस है ये ब्याज ही है, क्योंकि ये राशि ब्याज ने बढ़ाई है, हमने अपनी तरफ से जमा नहीं करी है। ठीक, अब ये कितने साल का ब्याज है, जिनका डिफरेंस होता है, तो 6 साल का ब्याज तो इतना हो गया है। अब दर कैसे निकालते हैं, पहली वाली वीडियो में बताई थी 1 साल का ब्याज बटे मूलधन दर होता है, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन क्या होता है, दर। तो पहले तो 1 साल का ब्याज निकाल लें, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, जब 6 साल का ब्याज 4200 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 6 से भाग कर दो तो 1SI, 6 × 7 = 42, तो 1 साल का ब्याज हो गया 700 रुपये, कितना हो गया है, 700 रुपये। अब दर कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन, पर मूलधन तो हमारे पास है नहीं, चलो 1 साल का ब्याज तो हमारे पास आ चुका है, तो अब ध्यान से सुनना मूलधन कैसे निकलेगा, जितने वर्ष का मिश्रधन है उसमें से उतने वर्ष का ब्याज घटा दो तो मूलधन आ जाएगा, क्योंकि मिश्रधन में से अगर ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आएगा, पर घटेगा उतने साल का जितने साल का मिश्रधन है। अब मिश्रधन आपके पास एक तो 2 साल का और एक 8 साल का, आप कोई से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, उससे ही हो जाएगा, तो सीधी सी बात है हम तो 2 साल वाले से करेंगे, तो 1 साल का ब्याज 700 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। अब ये 2 साल के ब्याज को आप 2 साल के मिश्रधन में से अगर घटा दोगे तो मूलधन आ जाएगा, तो घटाने, तो ये 2 साल का ब्याज है और ये 2 साल का मिश्रधन है, तो घटा दें, 2 जीरो तो ऐसी आ जाएंगी,
और चार में से चार गया तो जीरो, और आठ में से गया सात, तो ये दो, ये आपका मूलधन आ चुका है 7,000। दोबारे बता रहा हूं, जितने वर्ष का मिश्रधन है उतने वर्ष का ब्याज अगर उसमें से आप घटाते हैं तो मूलधन आता है। ठीक है, तो मूलधन भी आ गया है। अब दर कैसे निकालते हैं, एक साल का ब्याज बटे मूलधन, तो एक साल का ब्याज ये रहा 700 रुपये, तो ये लीजिए एक साल का ब्याज बटे मूलधन, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 10 बार, और 1/10 कितना होता है, 10%, या परसेंटेज लाने को गुणा 100 कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, समझ लेना। अब इससे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 33, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है इसलिए मैंने पहले आपको ये बता दिया था। इसमें ये कहा गया, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में 1,012 होती है, 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में कितनी होती है, 1,012, ठीक, और 4 वर्ष में 1,067 रुपये, 4 वर्ष में 1,067 रुपये 20 पैसे होती है, 1,067 रुपये 20 पैसे हो जाती है। अब होना तो मिश्रधन ही होता है, तदनुसार साधारण ब्याज की दर कितनी है, तो वही क्वेश्चन है, दर ही पूछ रहा है, तो दर कैसे निकालते हैं, एक साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ठीक है, तो करना क्या है, देखो 2.5 वर्ष में वो राशि इतनी थी और 4 वर्ष में इतनी होगी, तो इतने से इतना किसकी वजह से बढ़ी है, वो ब्याज की वजह से, तो जो इनका डिफरेंस है वो ब्याज है, तो अब ब्याज निकालें, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 7 में से 2 गए 5, 6 में से 1 गया 5, और 0 में से 0 और 1 में से 1, तो 55 रुपये 20 पैसे, 55 रुपये 20 पैसे ये ब्याज है, पर कितने समय का है, 4 साल के मिश्रधन में से 2.5 साल का मिश्रधन आप घटाओगे तो 1.5 आएगा, तो ये 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज आपका आ चुका है, ये लीजिए। ठीक है, अब करना क्या होता है, पहले बराबर रखने के बाद ये 1.5 वर्ष का ब्याज आ गया ना, और हमें 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, क्यों, क्योंकि दर कैसे निकालते हैं, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन दर होता है ना, तो कैसे निकालेंगे इसे, इससे आप इसे भाग करें, तो भाग करने के लिए पहले पॉइंट हटाना होगा, तो पॉइंट देखो स्थान बराबर है तो ये कैंसिल हुआ, तो ये 1 SI क्या हो जाएगा, 15 से आप इसे डिवाइड कर दें, तो 15 तो 45 हो गए, बचे कितने 10, हो गए 102, तो 102 15 6 90, अब बचे कितने हैं 12, दशमलव लग गई, हो गए 120, 15 8 120, तो ये तो एक साल का ब्याज हो गया है, एक साल का क्या हो चुका है, ये ब्याज हो चुका है ना। अब एक साल का ब्याज तो आ गया है, पर दर निकालने के लिए मूलधन भी चाहिए, तो अभी तो बताया मूलधन कैसे निकलता है, मिश्रधन में से ब्याज घटा दो, पर कितने वर्ष का, जितने वर्ष का मिश्रधन है उतने वर्ष का ब्याज। अब एक तो आपके पास 2.5 वर्ष का मिश्रधन है और एक 4 वर्ष का है, तो मेरे हिसाब से 4 का थोड़ा सा सही रह जाएगा, तो आप 4 वर्ष के मिश्रधन में से 4 वर्ष का ब्याज घटा लें, तो जब 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 4 से गुणा कर लें, 4 8 32 को 2 हासिल 3, 4 6 24 और 3 27 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, तो ये कितना हो चुका है, 147 रुपये 20 पैसे, तो ये 4 वर्ष का क्या है आपका, ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज है, और 4 वर्ष के मिश्रधन में से आप अगर घटाओगे तो मूलधन आ जाएगा, क्या आ जाएगा मूलधन, तो इधर तो 0 ही 0 आनी है, और 7 में से 7 गया तो भी 0 यानी है, और 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 1 गया तो 9, तो ये आपका आ चुका है क्या मूलधन, और दर कैसे निकलती है, एक साल का ब्याज बटे मूलधन, तो एक साल का ब्याज तो ये रहा, इसे यहाँ रखें 36.8, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते ही हैं, ये लीजिए, तो इससे ये ख़त्म और इससे ये ख़त्म। अब 92 में से देख लें कितनी बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4%, 92 में से ये 4 बार कैंसिल हो रहा है, तो 2 क्वेश्चन कराए हैं, देखो आपको समझ आया होगा इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। इससे आगे आ जाएं,
क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए, 34 में करा चुका हूँ आपको, 35। अब 35 में क्या है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में, तो 520 हो रही है, 5 वर्ष में 520, तो ये 5 वर्ष का मिश्र धन है, 5 वर्ष का मिश्र धन है कितना, 520। ठीक, और 7 वर्ष में 568 हो रही है, तो ये 7 वर्ष का मिश्र धन है, 7 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 568। तो राशि बूझ रहा है इस बार, दर नहीं बूझ रहा है, बस केवल राशि बूझ रहा है। तो वही है, पहले तो आप चेक कर ले इनका जो डिफरेंस है वो ब्याज होगा, अभी समझाया बहुत देर मैंने आपको, तो 7 में से 5 गया, 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, ये कितना जो इनका डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना, 68। अब राशि कैसे निकलती है, मिश्र धन में से ब्याज घटा दो तो राशि आ जाती है बस। तो आपके पास या तो 5 वर्ष का मिश्र धन है या 7 वर्ष का, तो 5 का ही निकाल लें। तो पहले तो 1 का निकालना होगा, कितने का निकालना होगा, 1 का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। जब 1 वर्ष का इतना, तो 5 का कितना, तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 × 20 की 0 2, और 5 × 3 = 15 और 2 = 17। तो 170 रुपये है 5 वर्ष का ब्याज, इसे 5 वर्ष के मिश्र धन में से घटा दो तो राशि आ जाएगी। तो 0 तो ऐसे ही आ गया, और ये हो गया 12, 12 में से 7 गए तो 5, और 4 में से 1 गया 3, तो 350 रुपये, कितना, 350 रुपये आपकी राशि आ चुकी है। ठीक है, 350, तो इसमें ऑप्शन है नहीं, शायद कुछ गलती हुई है, ये थोड़ा गलत घट गया शायद यहाँ, क्योंकि 350 तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे गलती होगी ये। तो 8 और 6 में से 2 जाएंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे, कितने आएंगे, 4। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 से जब आप भाग करेंगे तो 2 × 4 = 24। अब 1 वर्ष का 24, तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 से गुणा कर दें, तो 5 × 20 = 0, 5 × 2 = 10 और 2 = 12। अब 120 घटा लें उसमें से, तो 0 तो आना ही आना है, और 2 में से 2 गया तो 0, और 5 में से 1 गया तो 4, तो 400 आएगा, थोड़ी सी गलती होगी थी इसे आप देख लेना, तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। 36वें क्वेश्चन पे आ जाए, 36, क्वेश्चन नंबर 36। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 और 5 और अधिक वर्षों बाद, तो ये 7 वर्ष लिखा जाएगा, यहाँ 5 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है तथा 5 और अधिक वर्षों बाद 1020 हो जाती है। तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 2a, ये कितना है, 720, और इसके आगे कह रहा है तथा 5 और अधिक वर्षों बाद, तो 2 वर्ष तो ये होगा और 5 और अधिक, तो 7 वर्ष का मिश्र धन बैठेगा वो, तो 7 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा इसमें, 1020। ठीक है, वह धनराशि क्या है, फिर तो ऐसे ही है जैसे अभी ये क्वेश्चन करा है, इनका डिफरेंस, तो ये 5 वर्ष का ब्याज आएगा, कितना घटा लें, 0 2 में से 2 गया 0 और 10 में 7 गए 3, तो 5 वर्ष का मिश्र धन तो 300 आ गया, ब्याज 300 आ गया। अब 1 वर्ष का निकालें, तो 1 वर्ष का कैसे निकलेगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 × 30। अब राशि बूझ रहा है, तो 2 वर्ष का मिश्र धन है आपके पास और 1 साथ का, तो 2 वर्ष का ब्याज बनाओ और 2 वर्ष के मिश्र धन में से घटा दो, तो 2SI बराबर 120। अब 120 को आप 720 में से घटा दो, तो आंसर तो 0 और 0, और 7 में से 1 गया तो 6, तो 600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 37 जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल 33 का कॉपी है, 37 देख लें आप एक बार पढ़ के क्वेश्चन को, वो बिल्कुल उसका कॉपी है, तो 37 क्वेश्चन आपको नहीं करा रहे हैं, 38 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में, तो इतनी हो जाती है वही है सब, 2a, 2 साल का मिश्र धन बराबर कितना, 756 हो रही है। ठीक, और 3.5 वर्ष में
873 होती है, कितनी हो रही है 873 हो जाती है, तो दर बोझ रहा है ना, तो वही करना है। पहले इनका डिफरेंस ले लें आप, तो डिफरेंस जो इनका आएगा तो 2 वर्ष और 3.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष हो जाएगा, तो ये 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा, 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज इनका जो डिफरेंस होगा। तो 13 में से 6 जाएंगे तो 7 आएगा, और 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, और 8 में से 7 गया तो 1, तो 117 रुपये आ चुका है 1.5 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे कैसे, पहले यहाँ से हटाएंगे दशमलव, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी, तो 1SI 15 से भाग करें तो 15 8 तो 120 ज़्यादा हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा, है ना, 15 7 कितना हो जाएगा 105, या अलग को इसे भाग कर लें आप इस तरह से, 15 7 105, 2 और 1 12 और 15 8 120, तो 78 बार ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो एक साल का ब्याज कितना आ चुका है आपका, 78 आ चुका है। अब एक साल का ब्याज आपके पास आ चुका है, अब आपको दर निकालनी है, तो दर क्या होता है, एक साल का ब्याज बटे मूलधन, तो मूलधन निकालना आपको सिखाया, अभी 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, जितने वर्ष का मिश्रधन होता है उतने वर्ष का ब्याज घटा दो, तो आपके पास 2 वर्ष का मिश्रधन भी और 3.5 का, तो 2 का ही निकालने, तो जब 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2SI बराबर, तो डबल हो जाएगा, 2 8 16 और 2 7 14 1 15। अब इस 2 साल के ब्याज को 2 साल के मिश्रधन में से घटा दो, तो यहाँ लिख लेते हैं चलो दोबारा 2A, ये 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 756, 756, तो 0 0 और 7 में से 1 6, तो ये आपका राशि आ चुकी है 600 रुपये। दर कैसे निकालते हैं, एक साल का ब्याज, तो एक साल का ब्याज तो 78 है, एक साल का ब्याज कितना है 78, तो एक साल का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100, ऐसे दर आपकी निकलती है, तो 6 एकम 6 और 6 18 13% इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो इससे आगे आ जाएं 39 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 में क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 557, तो 4 वर्ष में वह कितना हो जाएगा, देखो 2 वर्ष का मिश्रधन दिया आपको, 2 वर्ष में कितना हो रहा है वो 550, ठीक है, और फिर इससे आगे बोला गया है 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है वो, 3 वर्ष में हो रहा है 575, ठीक। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो ब्याज होगा कितने वर्ष का, जितना इनका डिफरेंस है, तो 1SI, तो 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 7 में से 5 गया तो 2, तो 25 रुपये इनका डिफरेंस आ गया, तो एक साल का ब्याज 25 रुपये। पर ये आपसे पूछना क्या चाह रहा, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, हो जाना तो मिश्रधन, तो आपसे 4 वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है, ये कितने वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है, 4 वर्ष का, तो वो कैसे निकलेगा, आप मूलधन निकालें, मूलधन निकाले के उसमें 4 वर्ष का ब्याज जोड़ दें, तो आपको पता चल जाएगा कि वह राशि 4 वर्ष में कितनी होगी। तो मूलधन कैसे निकलेगा, जितने वर्ष का मिश्रधन है उसमें से उतने वर्ष का ब्याज घटा दो, तो 2 का है जब 1 वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। अब आप 50 को 2 वर्ष के मिश्रधन में से घटा लें, तो 500 ही आना है, 0 और 0 और 5, तो ये तो आपका मूलधन आ गया है। अब वो आपसे ये बूझ रहा है, ना तो इसमें दर बूझ रहा, ना मूलधन या राशि बूझ रहा, इसमें कह रहा कि वह धन 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो मूलधन में 4 वर्ष का ब्याज जोड़ दो, तो 2 वर्ष का ब्याज तो इतना है, या 1 वर्ष का ब्याज इतना, तो 4 वर्ष का कितना है, यहां से दोनों तरफ 4 से गुणा कर ले, इस वाली लाइन में दोनों तरफ 4 से गुणा कर दे, तो 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, तो 25 चौका कितने होते हैं 100, ठीक है, तो 4 वर्ष का ब्याज 100, तो आप इसे मूलधन में जोड़ दे, तो मूलधन कितना है 500, और 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100, तो वह राशि 4 वर्ष बाद 600 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 600 रुपये। 39 क्वेश्चन आपका हो चुका है, इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
फोर्टी में आ जाए। और फोर्टी में क्या है, एक रकम साधारण ब्याज में दो वर्षों में 2240 बनती है और पांच वर्षों में 2600 बनती है, तो रकम है तो राशि पूछ रहा है। सभी क्वेश्चन एक से हैं, मैं कर देता हूं। दो वर्ष का मिश्रधन तो 2a कितना है, दो वर्ष का मिश्रधन है 2240 और फिर इससे आगे पांच वर्ष का मिश्रधन, तो पांच वर्ष का मिश्रधन कितना है, पांच वर्ष का मिश्रधन है 2600, कितना है 2600। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो ब्याज होगा, शुरू में ही समझा दिया था मैंने आपको। तो पांच में से दोगे तीन, तो तीन वर्ष का ब्याज आ जाएगा यहां से, तो जीरो और दस में से चार गया तो छह, यहां बचेंगे पांच, पांच में से दो गया तो तीन, तो 360 रुपये ब्याज आ चुका है तीन वर्ष का। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा, तीन से भाग करेंगे तो तीन ही कम तीन और तीन दूनी छः, ठीक है, तो 120। अब राशि बूझ रहा है तो राशि कैसे निकालेंगे, बता रखा है आपको जितने वर्ष के मिश्रधन है उसमें से उतने का ब्याज, तो दो वर्ष वाला का भी है पांच का भी, कोई से भी हो सकता है, तो दो से ही करेंगे तो दो साल का ब्याज, जीरो और बारह दूनी चौबीस 240, तो दो वर्ष के ब्याज को दो वर्ष के मिश्रधन में से घटा दो तो राशि आ जाएगी। तो जीरो तो आना ही आना है, और चार में से चार गया तो जीरो आना है, और दो में से दो गया तो जीरो आना है, ये लीजिए, ठीक है, तो 2000 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं समाप्त, इससे आगे चलते हैं, नए तरह के क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष 4% पर उधार दिए, उसे एक वर्ष में कुल 95 रुपए के रूप में ब्याज मिला, तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए। देखो आज भी एक ऐसा क्वेश्चन हुआ है, टोटल धनराशि कितनी है 2000, उसमें से कुछ तो 4% पे दिए हैं और कुछ 5% पे, पर ये क्लियर नहीं है कि 4% पे कितने और 5% पे कितने, तो टोटल तो पता है, जब ये टोटल पता हो और दो हिस्से में अगर वो बंटवारा हो रहा हो, ये ना पता हो कि इधर कितना और इधर कितना, तो मैंने क्या कहा था, वो क्वेश्चन एक तो होता है मिश्रण से, दूसरा टोटल को ही दोनों जगह मान लेते टोटल को ही दोनों जगह मान लिया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, तो मिश्रण लगेगा इसमें, तो 2000 का 5% निकालने पहले, तो आप 2000 का 5%, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, 2000 का 10% कितना होगा 200, तो 5% हो जाएगा 100, ठीक। अब 2000 का 4% निकाल लें, तो 4% कैसे निकलेगा, देखो ये जो परसेंटेज है इसे हटाने के लिए बट्टे में 100 आएगा, तो ये दोनों जीरो तो कट जाएंगे, तो 20 चौक 80, तो 5% और 4%, तो 5% पे ब्याज कितना है 100 और 4% पे ब्याज कितना है 80, और टोटल ब्याज कितना है, टोटल ब्याज आपका जो है इसमें 92 रुपये है। तो क्वेश्चन तीन जगह टूटा हुआ है, 4% 5% और टोटल, तो मिश्रण ही लगता है इस कंडीशन में, तो यहाँ का डिफरेंस यहाँ और यहाँ का डिफरेंस यहाँ, तो यहाँ और यहाँ कितने का डिफरेंस है 12 का हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 8 का, तो 4 3 12 और 4 2 8, तो इसके बाद टोटल ही करते हैं, तो टोटल कितना है 5 और टोटल धनराशि कितनी है 2000। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो 5 चौक 20, तो 400। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है वो निकाल देंगे, तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है 5% की दर पर कितना, तो 5% तो इधर है ये रहा, तो ये आएगा, तो 3 निकाल दें, तो 3 चौक 12, तो 1200 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 41वें क्वेश्चन का इससे आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 42, 42 पर आ जाए, 42 में क्या है, अरुण 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है, 20,000
वह पहले दोस्त को 12,000 देता है 8% पे, अरुण अपनी कुल राशि पर 10% चाहता है, कुल राशि पर 10% ब्याज चाहता है वो, मतलब या कमाई चाहता है, तो उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे छिप लाभ मिले। तो आप क्या काम करें, पहले ये पता लगा लें उसे कुल इनकम कितनी चाहिए। तो कुल लाभ वो 10% चाहता है और कुल राशि कितनी है 20,000, तो पहले वो ही निकाल के रख ले। तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000, क्योंकि एक जीरो हट जाती है जिसका भी 10%, तो उसे कुल लाभ 2,000 चाहिए। अब उसने 20,000 में से 12,000 तो 8% पे दे दिए, तो 12,000 का 8% निकाल लो आप। तो परसेंटेज हटाने को तो बटे में जीरो आएंगी दो, तो दो जीरो तो कट जाएंगे, तो 120 बचा, तो 12,896, तो 960 रुपये तो वो कमा चुका है 12,000 पे 20 में से। अब कितने और कमाने हैं उसे, तो जीरो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, तो 1,040 रुपये और चाहिए उसे, है ना। जीरो आ गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, तो एक, तो इतने रुपए और कमाने उसे शेष राशि पर। राशि कितनी थी 20,000, 20,000 में से 12,000 दे चुका, तो बची कितनी 8,000। तो वो यही बूझना चाह रहा है कि वह शेष राशि किस दर पे दे, तो दर इस तरह ही निकालते हैं। एक आध बार पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन लाभ हानि में भी, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, ठीक। अब 8 से काट दें इसे आप, कितनी बार कटेगा, 8 ही कम 8, बचे 2 हो गए 24, 8 थे 24, तो 13% पे उसे शेष रुपए दूसरे दोस्त को देने होंगे, तभी वे इच्छित लाभ कमा पाएगा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता, उसका एक भाग 8% की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। टोटल ऋण 10,000 का लिया है, उसमें से कुछ तो 8% पे लिया है एक बैंक से और कुछ 10% पे एक बैंक से, तो वही क्वेश्चन फंस गया इसके जैसा ही। टोटल राशि तो पता है पर यह नहीं पता कि 8% पे कितना लाया और 10% पे कितना लाया, तो दोनों जगह टोटल ही मान लेंगे और मिश्रण ही लगेगा इसमें भी, ठीक है। अंततः वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक भुगतान करता है। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ब्याज एक वर्ष का ही होना चाहिए, जो बीच में रखते हैं, जैसे यहाँ रखा था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आ जाए 43 पे, तो पहले तो 10,000 का 8% निकालें, 10,000 का 8%, तो परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आएगा, तो दो जीरो तो गई, तो ये हो गया 800। और फिर 10,000 का दूसरे बैंक से 10% पे लाया, तो इसका 10% निकालें, तो एक जीरो हट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है। तो 8% और 10%, तो 8% पे कितना पैसा लिया गया है 800 रुपये ब्याज का दिया जाएगा, और 10% पे कितना ब्याज दिया जाएगा 1,000, और टोटल ब्याज इसने कितना दिया है इस क्वेश्चन में, टोटल ब्याज इसने दिया है 950 रुपये। अब वो ये डिफरेंस निकालें, ठीक है। तो यहाँ तो 50 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 150 का, 150 का, तो जीरो से तो जीरो गया, और 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अब टोटल ही रखेंगे इसके बाद, तो है ना, टोटल ही तो रखते हैं, तो टोटल 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 बराबर रख लें आप, तो टोटल राशि कितनी है 10,000, कितनी है 10,000। बराबर रखने के बाद 1 ही निकालेंगे, 4 दूनी 8, बच्चे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो चुका है 2,500। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो निकालेंगे, तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है, तो पहले बैंक से उतना 8% पे लिया था, तो ये निकालना होगा 1, तो वो निकला हुआ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2,500 रुपये, कितना हो जाएगा 2,500 रुपये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएं, 44, इसमें थोड़ी सी गलती है इस क्वेश्चन में, जहां पे ये लिख रहा है ना शेष राशि 3/4%, यहाँ 4/3% आना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें लिख रहा है शेष राशि 3/4%, जहाँ 3/4% है यहाँ पे 4/3% आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% के ब्याज पर और शेष 4/3% के ब्याज पर उधार देता है, एक वर्ष बाद कुल ब्याज 800
की आय होती है, तो 8%। बिल्कुल इसका कॉपी है, क्वेश्चन पर करते हैं, चलो मिश्रण ही होगा। तो ये तो हमें पता है टोटल राशि 20,000 है, पर ये नहीं पता 8% पे कितना और 4/3% पे कितना, तो टोटल को ही मानना होगा दोनों जगह। तो टोटल राशि कितनी है 20,000। तो आप पहले क्या काम करें, 20,000 का 8% निकाल लें। तो परसेंटेज हटाने को तो बटे में 100 आना ही है आपका, तो दो जीरो तो कट जाएंगे ये, तो 8 × 16 तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, अब 20,000 का दूसरी जगह कितना है, दूसरी जगह है 4/3%, 4/3%। अब ये जो परसेंटेज है इसे हटाने के लिए तो बटे में 100 आएगा, तो दो जीरो तो कट जाएंगी और 4 × 2 = 8, तो 800/3 हो जाएगा, 800/3। ठीक है, बस ये 8% वाला हिस्सा है और ये 4/3% वाला हिस्सा है। तो इधर कितना है 1600 और इधर कितना है 800/3। और एक साल का ही ब्याज होना चाहिए, बीच में ये बता रहा हूँ बार बार, एक का नहीं है तो एक का करना पड़ेगा। वो अब ये कह रहा है एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय, तो ये 800 आएगा बीच में, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ और इसका और इसका डिफरेंस यहाँ। तो देखो जब इसका और इसका डिफरेंस करेंगे तो ऐसे करेंगे 800 - 800/3, तो 8 = 2400 हो जाएगा, ये 2400 - 800 और बटे 3 हो जाएगा, तो 2400 में से जब 800 जाएगा तो कितना बचेगा 1600। तो 1600/3 का डिफरेंस तो इधर आ चुका है, 1600/3 अनुपात, इधर कितने का डिफरेंस है 800 का। ठीक है, ये 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, 3 की उधर गुणा हो जाएगी, तो 2:3 और बटे में 3 आएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना 3 और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो टोटली करेंगे अब, तो 5 = टोटल राशि कितनी थी 20,000। अब एक निकालेंगे, 5 × 20 तो कितना आ चुका है 4,000। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया वो निकाल देंगे। तो इसने आपसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, तो 8% पर दी गई राशि कितनी है, तो 8% तो इधर आ, तो दो निकाल ले, तो 2 = कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 = 8,000, तो इसका जो आंसर आएगा वो 8,000 आ जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे तो हो गया है, 45 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% की दर पर उधार दिया जाता है, यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2 हो तो वह दोनों भाग कितने हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी मिश्रण से ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी टोटल तो पता है पर ये नहीं पता 8% पे कितना और 10% पे कितना। पर इसमें एक थोड़ा सा शॉर्टकट ये लग जाएगा, अभी तक जो और क्वेश्चन करे हैं ऐसे उसमें बीच के लिए ये ब्याज देता था, तो बीच में ब्याज ही रख देते थे, पर इस क्वेश्चन में इसने बीच के लिए ऐसे राशि नहीं परसेंटेज में ही वैल्यू दी है, तो बस तीनों परसेंटेज उठा लो, तो 8% और इधर कितना है फिर 10%। ठीक है, और टोटल कितना है 9.2%। अब तक ये यहाँ बीच के लिए जो है राशि दे रहा था, तो इसलिए हमें भी राशि निकालनी पड़ रही थी, पर इसने परसेंटेज में दिया तो परसेंटेज से हो जाएगा, वो ये डिफरेंस निकालें, तो इसका इसका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 0.8 आएगा, और जब इसका इसका डिफरेंस निकालोगे तो 1.2 आएगा। ठीक है, 0.2 × 4 = 8 और 4 × 3 = 12, फिर टोटल ही करते हैं 5, तो टोटल राशि कितनी है इस वाले क्वेश्चन में भी 10,000 है, 10,000, तो 1 = 2000। एक निकालने के बाद जवाब से पूछेगा तो वो दोनों भाग ही पूछ रहा, दोनों ही पूछ रहा, तो 2 भी निकालना पड़ेगा और 3 भी, तो पहले तो इस वाली लाइन में 2 से गुणा करें तो 4,000 हो जाएगा, अब इस वाली ही लाइन में 3 से गुणा करें तो 3 × 2 = 6, तो 4,000 और 6,000 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाएं। 46 में क्या है,
1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई गई है। यही है, इसमें भी क्लियर नहीं है, तो वही है टोटल मानेंगे। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए, तो 5% और 8% की दरों पर लगाएगी, राशियों का अनुपात बूझ रहा है। तो इसमें करना क्या है, 1550 का पहले कितने परसेंट निकाल लें, 5%। तो 5% कैसे निकलेगा, पहले 10% निकाल लें और उसका आधा कर लें। तो इसका 10% तो 155 हो जाएगा, वो 155 का आधा कर लें आप। तो आधा करने के लिए 2 से भाग करते हैं, 2 × 7 = 14 बचा 1, हो गए 15, 2 × 7 = 14 बचा 1, 0.25 × 10, तो ये आ जाएगा 77 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब दूसरी दर कितनी है, तो वो उतने पे निकलेगा टोटल पे, जब नहीं पता है हमें। तो दूसरी जो दर है आपकी वो है 8%। ठीक, तो इसका 8% निकालें, एक बार चेक करते हैं 8% ये 8% ही है। तो देखो इसका जब 8% आप निकालोगे तो परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100, तो ये 0 तो कैंसिल। अब देखो 8×5 = 40 की 0 = 4 और 8×5 = 40 और 4 = 44, हासिल 4×8 = 12 है। अब इस 0 से ये भी, तो 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 124। ठीक, अच्छा, और टोटल जो है इसने, मैं कह रहा 3 वर्षों के ब्याज, ब्याज 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए। देखो वो 300 रुपये जो ब्याज है वो 3 वर्ष का है, और बीच में 1 वर्ष का ब्याज रखेंगे। जब 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये रखा जाएगा, बीच में 300 नहीं रखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इधर तो 5% है और इधर 8% है। ठीक, तो 5% पे कितना ब्याज बन रहा है, 77.5, और 8% पे कितना बन रहा है, 124। अब बीच में यह 300 नहीं आएगा, 100 आएगा 1 वर्ष का। बस मिश्रण लगाए तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 24 का, और यहाँ देखो 77.5 को जब आप घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो 22.5 22.5। अब देखो 0.5 ऐसे हट जाएगी, ये लीजिए। ठीक है, अब इन्हें आप कैंसिल कर लें, तो कितने से हो सकते हैं ये, क्योंकि ये तो 25 से भी चलो कट जाएगा, पर ये 25 से नहीं कटेगा, तो 5 से काट ले पहले। तो 5 × 20 और 5 × 8 = 40, 5 × 20 और 5 × 25 = 25। ठीक है, अब 3 से कट रहे हैं, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, 3 × 3 और 3 × 5 = 15, तो ये अनुपात ही पूछ रहा था, बस 16:15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16:15। इससे आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और आज मुझे कराने हैं आप लोगों को, ये इससे आगे करा दूं, करा देते हैं इन्हें 52 तक, इससे आगे बढ़ जाएं। अब 47 में क्या है, 1 लाख की राशि को दो प्रकार के शेयर निवेश किया जाता है, पहला पर 9% ब्याज और दूसरे पर 11%। यदि कुल साल के बाद ब्याज 9 सहित 3/4 हो, तो प्रत्येक शेयर में निवेश राशि कितनी है। तो ये मिश्रण लग जाएगा, 9% और 11%, और बीच में भी परसेंटेज ही दिया है ना, तो करें 9% और 11%, और बीच में भी क्या है इसका, 9 सहित 3/4%, 9 सहित 3/4, तो 4 × 36 और 3 = 39/4%, 39/4%। अब वही है, मिश्रण लगाएंगे, जब यहाँ मिश्रण लगाएंगे तो 11 − 39/4 होगा, तो 11 × 44 हो जाएगा। अब 44 में से 39 जाएंगे तो 5 बचेगा, तो इधर तो आ जाएगा 5/4। अब ऐसे इधर 4 × 36 हो जाएगा, तो 39/4 माइनस ये करेंगे तो 4 × 36, तो 39 में 36 के 3/4,
तो बटे से तो बटा कैंसिल, अब 5:3 बचा है। अब इसमें तो अनुपात इसने शायद नहीं बूझा है, इसमें तो ये आपसे बूझ रहा है, तो प्रत्येक शेयर दोनों पे ही बूझ रहा है। तो टोटल करेंगे 5 और 3 8, तो 8 बराबर राशि कितनी है टोटल, 1 लाख राशि है। अब 1 निकालें तो 8 ही कम 8 बचे तो होगी 20, 8 दूनी 16 बचे 4 होगी 40, 8 पंजे 40, तो ये हो गया एक। अब दोनों हिस्से बोझ रहा, तो एक हिस्सा तो 5 है, तो पहले 5 की गुणा करें दोनों तरफ, 0 0, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 को 2 हासिल 1, 5 ही कम 5 और 1 6, और दूसरा हिस्सा 3 है, तो इसी लाइन में 3 से गुणा होगी दोनों तरफ, 1 वाली में ही करते हैं, तो 2 0 तो ऐसे आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 ही कम 3, तो 37,500 और 62,500 इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 48 पे। एक व्यक्ति ने बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, वह उसके एक अंश को 5% प्रतिवर्ष पर एवं शेष को 6% प्रतिवर्ष पर विनियोग करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है, तो 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज 2580 है, तो 5% पे बूझ रहा है ये कितना है, तो वो ये मिश्रण लगेगा, पहले 12,000 का 5% निकालें, 12,000 का कितना निकाल ले 5%, तो पहले 10% निकालें, तो 1200 हो जाएगा 10%, तो 5% कितना हो जाएगा 600। ठीक है, अब 12,000 का दूसरा कितनी दर पे लगाया इसने वो देख लें, दूसरा जो है हिस्सा है वो कितनी परसेंट पे, 6% पे, अब 6% कैसे निकलेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में सो आएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, 1 0 बची, 12 6 72, तो 720 आ गया है ना। अब बीच में जो है ब्याज 1 वर्ष का रखते हैं, पर इसने कितने वर्ष का दिया, 4 वर्ष का, तो 4 बराबर कितना, 2580, 4 वर्ष का ब्याज है ये, तो 1 वर्ष का कितना, 4 से भाग करेंगे, 4 6 24 बचा 1 हो गया 18, 4 चौक 16 बचे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, तो बीच में ये रखा जाएगा ना कि 2580। ठीक है, तो 5% और 6%, 5% पे कितना है 600 और 6% पे कितना है 720 और 1 साल का ब्याज 645, वो ये डिफरेंस करें तो 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ 11 11 में से 4 गए तो 7, तो 75 रुपये इधर आ जाए, 10 यहाँ 5 बचेगा और 4, ठीक है, तो 15 5 75, 15 3 45, अब टोटल ही करेंगे तो 8 और टोटल ये बूझ क्या रहा है ये देख लें एक बार, 5% पे बूझ रहा है, तो टोटल कर लें पहले, तो टोटल तो 12,000 था, तो अब 1 निकालेंगे, 8 ही कम 8 बचे कितने 4 हो गए 40, 8 पंजे 40, तो कितना हो चुका है 1500, 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछेगा 5% पे बूझ रहा, तो 5% पे 5 ही है, तो 5 से गुणा करें तो 15 5 75, तो 7500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला तरीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, 49 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, अंततः वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% और 8 वर्ष के बाद, तो 5 और 3 8 वर्ष तो हो गए शुरू में, 3 और 5 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी जाए, तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल इतना, तो टोटल वर्ष 11 हैं, 3 वर्ष शुरू के पहले हो चुके हैं, फिर 5, तो 8 वर्ष तो हो चुके हैं, अब 8 वर्ष के बाद टोटल 11 वर्ष है, तो आगे कितना समय बचा हुआ है 3 वर्ष, 8 और 3 11 वर्ष, क्योंकि टोटल वर्ष 11 हैं, तो ये जो तीसरा 13% पे है ये 3 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, 11 वर्ष में उसे कुल 8,160 रुपये के ब्याज का भुगतान किया हो, तो उसने उधार ली गई राशि कितने रुपये थी, तो राशि आप 100 माने और भूल जाएं, क्यों,
अब देखो इसने आपको तीन जगह जो है टोटल 11 वर्ष का ब्याज दिया, तो आप भी तीन जगह से 11 वर्ष का ब्याज निकाल के ब्याज बराबर ब्याज लगा दें और एक निकाल के 100 निकाल दें, क्योंकि राशि 100 मानेंगे। अब 100 को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करेंगे तो 100 से तो 100 कट जाएगा। तो पहली जगह से जो ब्याज बैठेगा, ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो दर कितनी है पहली 6 और समय कितना है 3। अब मूलधन अगर हम ये 100 लिखते और बटे में भी 100 आएगा तो 100 से तो 100 कट जाएगा, राशि 100 मान रखिए। तो पहली जगह से ब्याज 18 रुपये। अब 3 वर्ष तो हो चुके हैं पूरे, फिर कह रहा है आगे वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% पे, वही राशि, तो राशि तो 100 मान रखिए, अगले 5 वर्ष के लिए कितने परसेंट पे लगा रहा है, 9% पे लगा रहा है, तो 9×5=45। अब 8 वर्ष बाद, तो 5 और 3 8 वर्ष तो हो गई हैं, 8 वर्ष बाद, अब 8 वर्ष के बाद जो है 13% वार्षिक ब्याज पर रखी, 8 वर्ष के बाद उसने वही राशि 13% पे रखी है, अब कितने समय के लिए रखी है, तो टोटल 11 वर्ष बाद, तो भैया 5 और 3 8 वर्ष तो होंगे, तो 11 वर्ष में कितने समय बच रहे हैं, 3 ही तो बच रहे हैं, तो 3 के लिए लगा है ये 13% पे उसने, तो 13×3=39। तो टोटल ब्याज देख लें कितना बैठ रहा आपका 11 वर्ष का, तो 8 और 5 13 और 9 22 हासिल 2 2 और 1 3 और 4 7 7 और 3 10, तो 102 रुपये बैठ रहा हमारे अकॉर्डिंग 11 वर्ष का ब्याज, और उसके अकॉर्डिंग कितना है 81.60। यहाँ लिख लें 102 बराबर 81.60। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो आप ये देख लें कितनी बार कट रहा है, 8 2 16 और 8 1 8, ये इससे 80 बार कट रहा है, तो 1 बराबर 80। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया, तो ये राशि पूछ रहा, तो राशि तो 100 माननी थी हमने, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 8000, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8000। 450 पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए तो 4%, तदोपरांत 4 वर्ष के लिए 6%, अब 6 वर्ष के बाद, अब 6 वर्ष के बाद होने के बाद, क्योंकि 2 और 4 6 हो गए ना, तो 6 वर्ष के बाद उसने वह राशि 8% पे लगा दे, और यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि, तो आगे 3 वर्ष ही बचे हैं, क्योंकि 4 और 2 6 वर्ष तो हो गए हैं, अब 6 वर्ष के बाद टोटल अवधि 9 वर्ष, तो आगे 3 वर्ष ही बचे हैं के लिए वह उचित ब्याज पर 1120 रुपये देता है, तो धनराशि कितनी, इसी के जैसा क्वेश्चन है, राशि 100 मानेंगे और लिखेंगे नहीं, क्योंकि 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो प्रथम 2 वर्ष में 4%, तो दर कितनी है 4 है 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना हो चुका है आपका 8 रुपये। फिर इसके बाद 4 वर्ष के लिए कितनी दर पे लगा रहा है, वो 6% पे लगा रहा है 4 वर्ष के लिए, तो 6×24 रुपये ये हो चुके हैं आपके। अब इसके बाद जो है वो 8% पे लगा रहा है, पर समय कितना है, टोटल समय है 9 वर्ष, अब 9 में से 6 वर्ष तो ये रहे 4 और 2 6, तो आगे कितना बचा है 3 ही बचेगा, तो 8 दिया 24, तो हमारे हिसाब से ब्याज कितना बैठेगा, 24 और 24 कितने होंगे 48 और 8 56, तो हमारे हिसाब से टोटल ब्याज कितना है 56, और किताब के अकॉर्डिंग ब्याज कितना है ये देख लें आप, 11 20 11 20। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो ये इससे 20 बार कट रहा है, देखो 2 6 12 2 5 10 और 1 11, तो 1 बराबर 20। अब एक निकालने के बाद जो बूझ रहा, तो राशि बूझ रहा, तो राशि तो 100 मानी थी, ये राशि जो है 2000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी राशि ये 2000। इससे आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। 51 इसमें क्या है, प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% है, अगले 5 वर्ष के लिए 5% है, अब 8 वर्ष से अधिक, तो 5 और 3 8 वर्ष तो हो चुके हैं, अब उससे आगे जो राशि लगाएगा वो 6% पे, कुल 9 वर्ष की अवधि है, तो लास्ट में 1 वर्ष के लिए लगेगी 6% पे, तो राशि पूछ रहा है आपसे तो 100 मानेंगे लिखेंगे नहीं उसके जैसा, तो प्रथम 4 वर्ष के लिए तो 3% की दर है, तो 3% की दर है 4 वर्ष के लिए, तो 4 तिया तो 12 हो चुका है, ठीक, और उससे आगे जो है अगले 4 वर्ष के लिए 5% पे, तो 5% पे है अगले 4 वर्ष के लिए, तो 5×20 है ना। अब इस 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष तो हो गए 4 और 4 8 वर्ष के बाद उसने दर कितनी कर दी है 6% कर दी है, और टोटल 9 वर्ष हैं, तो 8 वर्ष तो हो चुके हैं, तो एक ही वर्ष तो बचा है आगे, तो 6 कम 6, तो
तो कितना ब्याज बैठेगा, 6 2 8 38 रुपये बैठेगा हमारे अकॉर्डिंग ब्याज, है ना। और किताब वाले के अकॉर्डिंग कितना बैठा, 817। तो ये हो जाएगा 38 बराबर 817। ठीक, अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो एक कैसे निकालेंगे, 38 से भाग करेंगे दोनों तरफ, और जब इससे आप भाग करोगे तो ये पूरा पूरा तो इससे कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं आप भाग कर लें, तो ये तो एक हो चुका है। अब एक निकालने के बाद जो बुरा राशि राशि मानी थी 100, ठीक है, जब इसे आप सारे को कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट होके ये 2150 आ जाएगा, आप चेक कर लेना 2150। ठीक है, कर लेना थोड़ी सी कैलकुलेशन। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 52, एक क्वेश्चन और कराना बस आज के लिए आपका ये लास्ट 52। इसमें क्या है, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए तो 12% पे लिए, प्रथम 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट पे लिए, 12% पे, तो 12 3 36। राशि 100 मान रखिए, बटे में 100 से 100 कट जाएगा इसलिए 100 नहीं लिख रहे, ठीक। अगले 5 वर्ष के लिए 16% पे लिए अगले 5 वर्ष के लिए, तो 16 5 80, ठीक है, तथा 8 वर्ष के पश्चात, तो 5 और 3 8 वर्ष तो हो चुके हैं, 8 वर्ष के पश्चात समय अवधि के लिए 20% की दर पे देता, अब दर उसने 20% कर दिए, ठीक है, और समय कितना है, और यदि 11 वर्ष के उपरांत, तो टोटल समय 11 वर्ष है, तो 5 3 8 तो हो चुका है, तो आगे कितने वर्ष बच रहे, 3, तो 20 3 60, 60 रुपये का ब्याज ये बन रहा है ना। उपरांत मूलधन 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो, इस बार ऐसे मूलधन ब्याज नहीं दिया जैसे इसमें ब्याज दे दिया था इतना, या इसमें ब्याज दे दिया था इतना, है ना, इस तरह इसमें ब्याज नहीं दिया है, ये कह रहा है यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो, तो ये जो दिया है इसने ये मूलधन से ब्याज अधिक दिया है, अब अधिक का मतलब अंतर होता है, तो इसका मतलब मूलधन और ब्याज का अंतर दिया है इसने, ये मूलधन और ब्याज का अंतर दिया है, इस बार ब्याज नहीं दिया, तो आप भी मूलधन और ब्याज का अंतर निकाल लें, तो पहले तो आप ब्याज करें, तो 6 8 6 14 और 3 17, तो हमारा ब्याज कितना बैठ रहा है, 176। अब किताब वाले ने ब्याज नहीं दिया, अगर ब्याज बराबर ब्याज रख दें, ब्याज और मूलधन का अंतर दिया है, तो आप भी ब्याज और मूलधन का अंतर निकाल लें, तो मूलधन तो हमने 100 मान रखा है, तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 76। तो हमारे अकॉर्डिंग ब्याज और मूलधन का अंतर 76 है, क्योंकि वो कह रहा है ना, देखो 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 अधिक है, तो मैथ में कम या अधिक का अंतर होता है, मतलब अंतर ही होता है ना, तो ये ब्याज और मूलधन का अंतर दिया, तो हमने भी ब्याज और मूलधन का अंतर निकाल दिया, ठीक। तो हमारे अकॉर्डिंग ये 76, किताब के अकॉर्डिंग ये कितना है, 60 80। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, है ना, तो ये इससे 80 बार कटेगा, देखो 8 6 48 को 8 4, 8 7 56 और 4 60, तो 80 बार, तो 1 बराबर 80। अब एक निकाल के जो बूझा गया राशि राशि मानी थी 100, तो 100 बराबर 8000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज मैं आपको बस इतने ही करा रहा हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, धन्यवाद, कल इसे खत्म कर देंगे।